चाहे हमारा घर में कोई रेट डाले, आवे अपन है, हम कराएंगे खड़ा होकर उनको सामने। चलिए निकाली कहाँ का है, पूरा घर घर बिहार भर में करा ले, घर घर करा ले, एक घर नहीं छोड़े। राज्य सरकार मन बना लिए तो राज्य सरकार अपना पैर पर खड़ा होकर की है, तो किया तो बेईमानी कहाँ से हुआ, अगर बेईमानी हुआ तो वो अपना पूरा देश भर के करा के देख ले। बार बार आए, रोज आवे, घर बना ले, यही रहे, नोटबंदी में घर बनाइए लिए पूरा देश भर में, आके रहे ना भाई। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन जो है बिहार में जो जातीय गणना हुई है उसका रिपोर्ट पेश किया गया है, साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण का भी जो रिपोर्ट था वो भी पेश किया गया है, जिसके बाद बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। और ऐसे में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी कहाँ पीछे रहने वाली थी, उन्होंने भी जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि अगर आपको लगता है कि इसमें गड़बड़ी हुई है, घपला हुआ है, तो आप एक बार करा के देख लीजिए। साथ ही साथ राबड़ी देवी ने कई बातों को लेकर भी कहा है, अमित शाह जो बिहार दौरे पर आए थे 5 नवंबर को, उनके दौरे को लेकर भी उन्होंने कहा कि बिहार में ही क्यों नहीं घर बना लेते हैं, साथ में क्या कुछ कह रही है वो भी आप सुनिए। तो चाहे हमारा घर में कोई रेट डाले, आवे अपन है, हम कराएंगे खड़ा होकर उनको सामने। चलिए निकाली कहाँ का है, पूरा घर घर बिहार भर में करा ले, घर घर करा ले, एक घर नहीं छोड़े, तो हम लोग कहाँ खिलाफ निकलता है, क्या निकलता है। अगर हिम्मत है तो हम चेतावनी देते हैं भारत सरकार के हाथ में, पूरा देश के करा के पता कर ले कि किरा आंकड़ा कितना है, नहीं है, कौन जाति के संख्या कितना है, उनको कराना चाहिए, उनका हक है, उनका पावर है, उनका हाथ में है, सब कुछ है, तो ये गलत नहीं कहा ही पड़ रहे हैं, करा के देख लें जी, करा ले, भारत सरकार में है, भारत सरकार है ये है, ये सब काम तो जातीय जनगणना हो तो भारत सरकार के हाथ में है। अब राज्य सरकार मन बना लिए तो राज्य सरकार अपना पैर पर खड़ा होकर की है, तो किया तो इसमें बेईमानी कहाँ से हुआ, अगर बेईमानी हुआ तो वो अपना पूरा देश भर के करा के देख ले, तब बोलेंगे, ऐसे ना खिलाफ लोग रहता है, तो खिलाफ कहने से क्या है, जनता हमारा साथ है, खिलाफ कहने से जनता भी समझ रहा है, बेल पर बेल, केस पर केस हो ये रहा है, दुनिया देख रहा है, बिहार के जनता भी देख रहा है, देश के जनता भी देख रहा है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बार बार आए, रोज आवे, घर बना ले, यही रहे, नोटबंदी में घर बनाइए लिए पूरा देश भर में, आके रहे ना भाई। ताज होटल बन गया और यादवों की पूरा देश भर में ताज होटल बना, ऑफिस उनका सब किराया चल रहा है, उनका में दुकान चल रहा है, तो सब कुछ गलत काम कर रहे हैं, बट उनका काम सही है, जे सही जिसका काम है उनको गलत करते हैं, वो लोग को वही बयानबाजी है और कुछ नहीं, वो लोग बेरोजगार है, वो लोग बेरोजगार है, अमित शाह जी भारत सरकार। अच्छा, अमित शाह और भारत सरकार बेरोजगार है, बेरोजगार है ना, इसीलिए एक आदमी को करार करता लो से ऊपर ले, छोटा छोटा बाल बच्चा पर, हम लोग पर कितना साल से लोग केस कर रहा है, तो आपने सुना कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कैसे दहाड़ते हुए कहा है कि अगर आपको लगता है कि इसमें घपला हुआ है तो आप खुद से करा लीजिए, कि पूरे देश में करा लीजिए। साथ ही उन्होंने जो अभी रेड का जो दौर चल रहा है, लगातार ईडी के द्वारा छापेमारी की जा रही है, उन्होंने खुद कहा है कि हम चाहते हैं कि आप मेरे यहाँ जो है रेड मारिए, हम खुद खड़ा होकर करवाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आप पूरे बिहार में ही करा लीजिए, हर घर घर में जाके करा लीजिए, कोई कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो दौरा हुआ था उस पर भी उन्होंने कहा है कि यहीं पे क्यों नहीं घर बनवा लेते हैं। तो इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कॉमेंट कर जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।